अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज का मौजू आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेहद जो पसंदीदा मौजू लेकर आई हूँ रिजल्ट वाला, सर्दियों में ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लास स्किन के लिए इजीली अवेलेबल चीज़ें कौन सी हैं। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। आपको एक नाइट क्रीम बनाना बताया जाएगा, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से रिज़ल्ट 101% आएंगे। आपकी स्किन बेहतर होगी, स्किन टोन बेहतर होगी। लगाते रहने से सबसे बड़ी बात है आपकी स्किन थिन नहीं होगी, आपकी स्पाइडर वेन वाली स्किन नहीं होगी और आप ग्लास स्किन पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी आज लगाएं कल आपका रंग गोरा हो जाएगा, जो बहुत ही गलत बात होती है। रंग मुझे सांवला बहुत पसंद है और रंगत पे बात करना मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर मेरे क्लिनिक में हर दूसरा बच्चा, हर दूसरी बच्ची, हर दूसरी औरत, हर तीसरा मर्द अब जो आते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएं, हमारी रंगत अच्छी हो जाए। और मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे पास 10 से 15 ख़वातीन आती हैं जो फार्मूला क्रीम लगाकर अपनी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं। फिर भी उनकी देवर की शादी होती है, भाई की शादी होती है, बहन की शादी होती है, तो वो मुझे कहती है अगर आपने मेरा 15 दिन में काम नहीं किया तो मुझे मजबूरन उस क्रीम पर जाना पड़ेगा। ऐसी सब लोगों के लिए आज की वीडियो है, विंटर ग्लोइंग ग्लास स्किन क्रीम। ठीक है, चलिए सीखते हैं। जी जनाब, जो आज का हमारा हीरो है या हीरोइन है वो एक जो है प्रोटीन बीन्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और कीटो डाइट में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ये चीज़ इस्तेमाल की जाती किस में, पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया, उससे ज़्यादा या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर लिया या रंग साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। आज हम इसके बेनिफिट्स पे, इसको इंटरनली यूज़ पे नहीं बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लास स्किन के लिए बता रही हूँ। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम इंग्लिश में आप बोलेंगे तो ल्यूपिन बीन और उर्दू में तुरमुस के बीज, तुरमुस के बीज, ये देखें। ठीक है, किसी दिन इसके आटे पे बात करेंगे, इसका आटा कैसे मिला के मोटापे पे इस्तेमाल करना है। इंटरनल बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगेन आज सिर्फ आपके विंटर की नाइट क्रीम बनाना बता रही हैं जो ग्लोइंग स्किन के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर इसको ग्राइंड करने रखा है। देखें, ग्राइंड करने रखा है ये मैंने, मगर ये देखें अभी भी दुरदुरा है। सही है, ये बीन्स थोड़ा सा मुश्किल से होते हैं क्योंकि हमारे पास ताज़े बीन्स तो आते नहीं हैं, तो हम इसको और जो है ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह करना है इसको ग्राइंड। पहले हमने दूसरी मशीन इस्तेमाल की, हम नाकाम हो गए। फिर हम लोगों ने फिर यही जो छोटी मिल वाली मशीन इस्तेमाल की। ये देखें, हमें इतना पतला चाहिए, ये वाला टेक्सचर चाहिए। देखें ये इसको मैं छानूंगी ना। अच्छा, अब घर की घरेलू ख़वातीन बोलेंगी ये मशीन हम कहाँ से लाए, तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से कूटें। ये देखें, इसका आटा बन गया, आटा हमें ये चाहिए। ठीक है, हमें ये वाला टेक्सचर चाहिए, मगर फिर भी मैं इसको मज़ीद छान लूँगी। इसको पहले छानूंगी फिर उसको छानूंगी, आपने छानना है। ठीक है, और कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपको मैंने दूसरा तरीका बता दिया कि आपने क्या करना है। वैसे तो बहुत बारीक हो गया, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें,
और ये मैंने जो जाली ली है भी बहुत ही बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक जाली है, बिल्कुल जैसे हम बच्चों को पाउडर लगाते हैं इसी तरह आपने इतना ही इसी तरह आपने छानना है। और इसमें आपने एहतियात करनी है, तरबूज के बीज जो है फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बस ये कड़वा बहुत होता है, इस कदर कड़वा होता है कि हद नहीं। तो इसके लिए इसको जब आटा बनाया जाता है तो इसको जो है ना दूसरी चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, जैसे बादाम वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ मिला के कीटो डाइट वाले इस्तेमाल करते हैं। आप लोग की फरमाइश आई तो मैं ज़रूर दोबारा बना के बताऊँगी आपको। अब ये देखिए दुरदुरा है मैं, लेकिन फिर भी मुझे जितना चाहिए था वो मिल गया है, बाकी मैं मज़ीद पीस के पाउडर बना के रखूँगी। चलें इसके कुछ फ़ायदे स्किन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग रहती हो तो आप ये तरबूज को रात भर पानी में भिगोएं, एक बड़ा चम्मच पानी में भिगोएं, फूल जाएगा, फिर इसको 2 लीटर पानी के साथ अच्छी तरह उबालें हल्का सा कूट के, फिर वो वाला जो पानी बच होगा वो अपने आप बॉडी में जैसे लास्ट रिंस लें। तो इचिंग जिनको बहुत रहती है स्किन की ड्राइनेस की वजह से उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर जितना तरबूज चाहिए वो मिल गया है, ये है तकरीबन, दे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये एक चम्मच भर कर ये दूसरा चम्मच, मुझे इतना ही 2 टेबल स्पून ही चाहिए थे, ज़्यादा भर कर चाहिए थे। अब इनकी जो मदद करेगा वो मैं बता देती हूँ, आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेना चाहें फ्रेश एलोवेरा जेल रहें, हमने एलोवेरा जेल इसमें क्यों इस्तेमाल करना है, एलोवेरा मैजिकल प्लांट है, जो अगर अल्लाह ना करे किसी को किसी भी इंग्रेडिएंट जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं उससे अगर एलर्जी हो तो उस एलर्जिक रिएक्शन को जो है कम करने में मदद करे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने लिए तरबूज के बीज का आटा, ठीक है, आटा बनाकर, आटे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आटा कभी भी दुरदुरा नहीं होता है। और मैं इसमें कितना डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, आपको मैंने फ्रेश बनाना बताया है वो आप डाल सकते हैं, 4 चम्मच भर कर मैंने डाला है। पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया है कि जब आप 2 इंग्रेडिएंट जैसे मिलाएं तो उनको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये जो मैं आपको नाइट क्रीम बनाना बता रही हूँ ये इतनी ज़बरदस्त है कि ये मात दे सकती है उन क्रीम्स को जो आप बहुत सारा महंगा ख़रीदते हैं। ये देखें ये बन गई क्रीम, मगर क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीम किसके लिए, सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए अगर हम क्रीम बना रहे हैं तो हमें हाइड्रेशन हाइड्रेटिंग क्रीम बनानी है, क्योंकि हीटर इस्तेमाल होता है, सर्दियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैं इसमें डालूंगी बादाम का तेल, बादाम का तेल कितना, 1 बड़ा चम्मच, अगर 1-2 कतरे ज़्यादा हो गए तो नीचे लिखिएगा नहीं, आपने तो कहा था कि 1 चम्मच आपने तो ज़्यादा डाल दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने बादाम का तेल 3रा इंग्रेडिएंट डाला, इसको अगेन मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए सही है। अब इसमें जो 4थी चीज़ जाएगी वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो सोने पे सुहागा, नहीं डालना चाहें तो 3 इंग्रेडिएंट्स इनफ। ये है सी बक थॉर्न ऑयल को आप नेट पे पढ़ लीजिएगा, आपको इसकी खूबियां पता चल जाएगी। स्किन सर्जन ऑयल एंड हाई रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन सी। और तो फिर क्या है कि मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन सी है तो ये रात को ही इस्तेमाल होगा, तो रात को ही डालेगा। अब इसका कलर आप देखें, अच्छा इसका कलर रह रह के ना थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाता है, तो कभी भी नहीं समझें कि ये खुदा ना खास्ता जो है ना इतना काला क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये
और इसमें से जो स्मेल है ना वो आपको ऐसी आने लगती है जैसे फॉलिक एसिड की, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स की रेंज भी शामिल है। अच्छा, मैंने इसमें 10 ड्रॉप्स डालने हैं, सही है? तकरीबन 10 टू 15 ड्रॉप्स डालने हैं, जो एक टी स्पून के करीब होता है। ये देखें, ये मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, मैंने अपने कंपनी का एलोवेरा जेल क्यों डाला इसमें, इसलिए कि ये वाटर सोल्यूबल और ऑयल सोल्यूबल दोनों को मिक्स करके क्रीम की शक्ल दे रहा है। अगर मैं फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती तो थोड़ी थोड़ी तेल अलग हो जाता और वो अलग हो जाता, लेकिन अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं, आप फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, मगर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया करें। आप इसको किसी एयर टाइट बॉटल में डाल के रख दें, आपकी बेहतरीन ग्लोई स्किन के लिए नाइट क्रीम तैयार हो गई, जो शायद आपने किसी चैनल पे नहीं देखा होगा। मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है वाइटनिंग क्रीम में, तुरमुस। मगर अगर आपको कोई सिखाएगा तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको बताएगा। एक दिन में तो गोरी नहीं होंगी, सही है? ये देखें, इसीलिए इसमें जो है, मैंने आपको पहले बताया, तुरमुस के बीज जो होंगे वो बिल्कुल आपने क्या करना है, टेलकम पाउडर की तरह बनाना है। ये बात आपने याद रखनी है। सुबह उठ के जो है पहले आप नीम गरम नहीं, जैसे टैप वाटर से चेहरे को साफ कर लें, उसके बाद आप कोई जो है माइल्ड क्रीम लगा लें या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र सोप का इस्तेमाल करें। आप देखें आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी, आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपना प्यार YouTube पर तो दिया है, आप Facebook और Insta पर भी अपना प्यार इसी तरह शावर करते रहें। साथ में मेरे ख्यालात और इनर साइट ऑफ डॉक्टर बिल्कीस को जानने के लिए मैं आज से अपना ट्विटर अकाउंट जो है उसको एक्टिव कर रही हूँ। तो हुए माई, उसको जानने के लिए मेरे ख्यालात क्या हैं, उसके लिए आप मुझे ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो इन सब चीज़ों के से हट कर है। अल्लाह हाफिज़।